कोलकाता में जारी डॉक्टरों की भूख हड़ताल अब उनके जान पर बनाई है। आरजीकर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर बीते 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। गुरुवार की रात हड़ताल पर बैठे एक डॉक्टर की अचानक तबीयत खराब हो गई। हालत बिगड़ने के बाद आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो की हालत बिगड़ी। आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। बीते 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं डॉक्टर। कोलकाता में बीते 2 महीने से डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्या मामले में जल्दी से जल्दी न्याय के लिए डॉक्टर ममता सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अनिकेत महतो के साथ 7 और डॉक्टर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस पूरे मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हरकत में आ गई है और हड़ताल पर बैठे डॉक्टर की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। युवा डॉक्टर को भूख हड़ताल शुरू किए हुए लगभग 1 सप्ताह होने जा रहा है। ऐसे में आईएमए ने भी सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाए, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की जवाबदेही तय हो, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के लिए सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम बने, सीसीटीवी, ऑनकॉन रूम और वॉशरूम जैसी सुविधाओं के लिए टास्क फोर्स बने, अस्पतालों में बेड की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो, अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़े और परमानेंट महिला पुलिसकर्मी तैनात हों, अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को भरा जाए, छात्र परिषद के चुनाव हों, कॉलेजों की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को मान्यता मिले, मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों की प्रबंधन समितियों में जूनियर डॉक्टरों की प्रतिनिधि हो। कोलकाता रेप कांड के बाद ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। सरकार पर आरोपियों को बचाने के भी आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल ममता सरकार और भी दबाव में है क्योंकि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना ममता सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है।